वेलकम टू द चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दो वाटरफॉल, उसका वर्चुअल टूर देने वाले हैं आपको। तो दोनों ही अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल हैं, मतलब काफ़ी कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। गूगल मैप्स में भी सही से नहीं दिखाता, और वो दोनों उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। मानसून का टाइम है तो ट्रैवलिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश हो जा रहा है कभी भी कहीं भी। जिस दिन देखा कि थोड़ा बारिश कम हो रहा है तो निकल पड़े हम लोग सफ़र के लिए। इस सफ़र में हमारे दो दोस्त हैं, एक है प्रभात जो फोटोग्राफर है कैमरा वाला, दूसरा है अविनाश जो वहाँ का लोकल है, जो हमको गाइड करेगा। क्योंकि उसने बताया था कि जंगल के अंदर हमको 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो उसके बिना इम्पॉसिबल है, और इसके लिए प्रॉपर रोड्स भी नहीं है। तो हमारा भाई जाएगा हमारे साथ। ये सीधा मुड़ा ब्रिज है जो कटक और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है, तो काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से। खूबसूरत वादियाँ, रास्ते, मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच गए अविनाश के गांव चंपेश्वर में। यहाँ से बस 10 किलोमीटर का बाइक राइड के बाद असली एडवेंचर शुरू होगा, यानी हमारे ट्रेकिंग शुरू होगा वहाँ से। नज़ारे नज़ारे, ओ भाई साहब क्या ही बताऊँ, आप लोग तो देख ही सकते होगे। ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, हरियाली ही हरियाली है, मजा आ गया भाई साहब। काफी लोगों को देवजर वाटरफॉल के बारे में पता होगा, ये काफी फेमस है, तो उसी रास्ते में हमको जाना पड़ेगा। यहाँ से राइट लेने के बाद हमको इस कच्चे रोड से जाना पड़ेगा। रास्ते देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है यहाँ पे एडवेंचर। काफी प्यारा, काफी खूबसूरत गांव, वाह क्या लोकेशन है भाई। डाबर खोलो को रास्ता, तो देख रहे हो मतलब इतना ही लिखा है बस। तो यहाँ से हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा और जंगल के अंदर हमको बाइक से रखना पड़ेगा। तो यहीं पे हम बाइक से रख के आगे चल पड़ेंगे। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग शुरू होता है। ए बॉय फोटोग्राफर, आजा आजा वीडियो कर दो, स्टार्टिंग ही देखो। काफ़ी खतरनाक, हालांकि आपको यहाँ पे ट्रेल्स दिख रहे हैं, पर आगे देख लो कोई रास्ता ही नहीं है। जंगल जंगल प्यारा जंगल, ला 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 ला। ओ बॉय कॉमन कॉमन वीर, तुम चले चलो चले चलो। तो लो भाई, आ गया हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग। जोश पूरा हाई। यहाँ पे पूरा सुरंग के अंदर से जाने जैसा लग रहा है। कौन
हाँ हाँ स्टूडेंट नंबर टू देख लो और कितने कुछ देखने बाकी है आप लोगों को। रास्ता देखिए वाटर स्ट्रीम पर खाली वाटर स्ट्रीम और यहाँ पे हमारे फोटोग्राफी बॉय बाहुबली बनते हुए। कितना खूबसूरत है यार ये जगह। तो इतना ट्रैकिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना ब्रो। लग गया तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन भी हो गया हमारा। भाइयों और बहनों, हम काफ़ी मशक्कतों के बाद पहुंच गए हमारे पहला डेस्टिनेशन वाटरफॉल नंबर वन। देख रहे हो लौंडे की खुशी देख रहे हो। कुछ देर हम लोग एंजॉय किए, फिर थोड़ा फोटोज उठा के हम लोग निकल पड़े दूसरे वाटरफॉल की ओर। ये अभी तक का ट्रैकिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। पेड़ के टहनी को पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा था और भाई साहब बारिश के वजह से रास्ता पूरा स्लिपरी था। मतलब अलग ही लेवल भाई, एडवेंचर ओपी। पे थोड़ा पानी फानी पीने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। सो इतने सारे मशक्कतों के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन वाटरफॉल नंबर टू के पास। एंजॉय द ब्यूटी। वीडियोज या फोटोज इस वाटरफॉल का ब्यूटी को जस्टिस नहीं दे सकता। इसको महसूस करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। बहुत समय वाटरफॉल के ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद हम लोग नहाने के लिए चले गए और थोड़ा मटर गश्ती करने लगे। वाटरफॉल आए और पानी में ना नहाए तो क्या किए, यही तो है असली मजे। बाकी यहाँ पे फोटोज क्लिक करना और वीडियोज बनाना बहुत ही मुश्किल है भाई। तो ये रहे हमारे प्रो फोटोग्राफर का कुछ प्रो क्लिक्स। तो फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी से निकल गए और हम कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं किए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। तो इतने भी ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक्स दें।